पिज्जा वालों का वीडियो किसने वायरल किया था, क्यों आरोप लगाए सृजन अरोड़ा ने करण दत्ता पर, आखिरकार वायरल करने के पीछे क्या वजह थी, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर हम आपको बता दें कि कुल्लड़ पिज्जा वालों को कौन नहीं जानता, और ख़ास करके पिछले कुछ टाइम में उनके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद तो बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। हाल ही में कहा जा रहा है कि उनकी एक वीडियो वायरल होती है, उस वीडियो को निकलने के बाद कुछ लोग दावा करते हैं कि वो AI जनरेटेड वीडियो है, कुछ लोग दावा करते हैं कि ये एक रियल वीडियो है। अब वो रियल है या AI जनरेटेड है उसके बारे में तो हम जिक्र नहीं करेंगे, पर जिक्र करेंगे तो कहा जा रहा है कि इस वीडियो को किसने वायरल करा। बोला ये जा रहा है कि जो कुल्लड़ पिज्ज़ा के ओनर हैं, जिनका नाम कहा जा रहा है कि सहज अरोड़ा है, बोला ये जा रहा है कि उन्होंने एक आरोप लगाया अपने एक वीडियो में, जिसमें उन्होंने एक यूट्यूबर है शायद करण दत्ता, उनके ऊपर आरोप लगाते हुए बोला कि उन्होंने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया है, मतलब शेयर किया। बाद में कहा जा रहा है कि जो यूट्यूबर है करण दत्ता, वो निकल के आते हैं सामने और बोलते हैं भैया हमने कुछ नहीं करा है, हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमने व्यूज़ के लिए किया, लाइक्स के लिए किया है, तो हमको व्यूज़ और लाइक की कमी नहीं है, तो हमने उसके लिए सब किया ही नहीं है और हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जब बाद में अभी खबर निकल के आई मीडिया के द्वारा, तो बोला गया कि जो कुल्लड़ पिज्ज़ा के एक्स एम्प्लॉई थी, जिनकी उम्र 23 साल बताई जा रही थी, उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो सवाल बहुत बड़ा उठ जाता है कि आखिरकार ये किया तो किया किसने है। गिरफ्तार तो कहा जा रहा है कि 23 साल की जो लड़की है उसको किया गया है, तो यहाँ पर यूट्यूबर करण दत्ता को क्यों आरोपी बनाया जा रहा है या फिर उनके ऊपर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं इस पूरे मामले में कि गलत कौन है, सही कौन है, ये कोई नहीं जानता। पर आखिरकार कुल्लड़ पिज्ज़ा एक ऐसा पिज़्ज़ा जिसको खाने के लिए लोग बेताब होते थे, जिसके पास सेलिब्रिटी तक पहुंच जाते थे, पर क्या अब वो कुल्लड़ पिज़्ज़ा खुलेगा? खुलेगा तो क्या लोग वहाँ जाएंगे? लोग जाएंगे तो क्या वहाँ पर कुल्लड़ पिज़्ज़ा के ओनर पहुँचेंगे? अगर वो पहुँचेंगे तो क्या उनसे कुछ इस प्रकार सवाल जवाब पूछे जाएंगे? ये सवाल आज भी मन में बने हैं, क्योंकि आज उनकी शॉप जब बंद है तब भी लोग वहाँ जाते हैं और जाकर वीडियो बना रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि इन कुल्लड़ पिज़्ज़ा वालों को तो आप जानते होंगे, और आगे वो क्लिप शेयर कर रहे हैं या कोई खुद ही बोल दे रहा है जो कुछ उस वायरल वीडियो की क्लिप की शुरुआत में बोला गया है। तो अपने आप में सवाल उठता है कि आखिरकार लोगों ने तमाशा बनाकर रख दिया है कुल्लड़ पिज़्ज़ा वालों का, और कहीं ना कहीं ऐसा तमाशा बनाया है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो ये क्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और सही में ऐसा कुछ करना बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि लाइफ ख़राब हो जाएगी उन लोगों की जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा मुकाम पाया है। डेफिनेटली स्टारडम अगर आपको सोशल मीडिया से मिलता है तो आपको रोकने के लिए, आपको पकड़ने के लिए हज़ारों लोग आ जाएंगे, और यही कुछ मुझे लगता है कि इनके साथ हुआ। कुछ वीडियो कुछ MMS निकल के आते हैं, वायरल होते हैं, और वो MMS वायरल होने के बाद कहा जा रहा है कि लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू करा, कहीं ना कहीं लोगों ने इनको बेइज्जती और कहीं ना कहीं लोगों ने इनकी बेइज्जती करनी शुरू करी, बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं लोगों ने इनके द्वारा। तो अब देखने वाला विषय यहाँ पर ये है कि क्या यहाँ पर जो कुछ हो रहा है कुल्लड़ पिज़्ज़ा वालों के साथ ऐसा होना चाहिए? कई सारे यूट्यूबर्स निकल के आ चुके हैं जो इनको सपोर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका साथ हम दे रहे हैं, और अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि ये सब मत करो, उस लड़की का कोई दोष नहीं है, वो कैसी सिचुएशन में समय है समझो, 2-3 दिन हुए मात्र एक बच्चे को जन्म दिए हुए, और उसके बाद उसको जब होश आया तो उसने ये सब कुछ सुनना, तो सोचिए वो कैसा फील कर रही होगी, कैसा सोच रही होगी वो लड़की इस समय, ये आप एक बार सोच कर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि आखिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। सोशल मीडिया में आज भी कई सारे लोग लिंक मांगते हुए आपको दिख जाएंगे, जो लिंक मांगे सिंपली उनको कमेंट करिए और बताइए भैया कि यहाँ पर एक लड़की के साथ ये सब जो कुछ हुआ है, या फिर जो लड़की है उसकी क्या गलती है, तुम्हारी बहन होती तब भी तुम लिंक मांगते, या फिर उस शख्स को ब्लॉक मारिए अपनी लाइफ से, क्योंकि जो शख्स ऐसा लिंक मांगता हुआ घूम रहा है ना, उनकी सोच कितनी गंदी होगी ये आप लिंक मांगने वालों से ही समझ सकते हैं कि वो लिंक मांगने वाले क्या देखना चाहते हैं। सोचिए शायद उनकी जगह उनकी बहन होती तब भी शायद वो ये देखना पसंद करते, या फिर वो लिंक मांगते हुए दिखाई देते? बिल्कुल नहीं, तब उनको गुस्सा आता, गुस्सा आज भी आ रहा होगा कि जो लोग लिंक मांग रहे थे, लिंक मांगने का इंतजार कर रहे थे और मैंने उनकी बहन की बात कर दी, तो बुरा तो लगेगा ना। तो इसी प्रकार वो भी किसी की बहन है और कहीं ना कहीं
वो भी किसी की पत्नी है, तो सवाल उठता है कि आखिरकार आप ये हरकतें क्यों कर रहे हो जिससे लाइफ ख़राब हो जाए उस लड़की की, आने वाले फ्यूचर उस बच्चे की और ख़ास करके उसके हस्बैंड की। गलती हुई, जो कुछ हुआ साइड करो, ओवर करते हैं इस मामले को, क्योंकि अगर इस मामले को जितना लंबा खींचा जाएगा तो मुझे लगता है कि उतना ही लंबा ये मामला चलता जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में चीज़ें निकल के आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी भी कहा जा रहा है कि लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको। अब देखते हैं कि ये ट्रोलिंग कब तक चलेगी या ये ट्रोलिंग कभी रुक जाएगी, ये तो नहीं कह सकते, पर उम्मीद है जल्द से जल्द ये ट्रोलिंग रुक जाए और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना हो सामने जो कुछ नज़र आ रहा है। तो क्या लगता है आपको, आप अपनी राय कमेंट में रखिएगा। हम चाहेंगे आप बताइए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ नज़र आ रहा है वो बहुत अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर कुल्लर पिज़्ज़ा क्या अपनी शॉप पे जल्द लौटेगा, क्या शॉप ओपन होगी, और ओपन होगी तो क्या सवाल जवाब पूछे जाएंगे, क्या वहाँ पर लोग पहुँचेंगे और उम्मीद करेंगे, अगर हमारे पास टाइम हुआ कोशिश करेंगे कि हम भी यहाँ पर कुल्लर पिज़्ज़ा के जो ओनर हैं उन तक पहुँचने की कोशिश करें और ख़ास करके उनसे इन सवालों के जवाब मांगे कि ऐसा किसने किया होगा कि आपके स्टार्डम की वजह से या रातों रात आपको जो पहचान मिली है उसके पीछे लोगों ने मेहनत नहीं देखी और उसी पहचान की वजह से लोगों ने चिढ़ के मारण ये सब कुछ किया है। उम्मीद है अगर हमारे पास टाइम हुआ तो डेफिनेटली पहुंचने की उन तक कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट पर रख दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में हमारा नया चैनल सागर बल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार।